तो ये वाला देखो हम, लेट आई इज इक्वल टू सी टाइम्स डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर स्क्वायर डी एक्स की पावर, आर इज द रीजन शोन इन द फिगर एंड सी इज इक्वल टू दिस, द वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स, कि इसका आई का वैल्यू निकालना है आपको। तो आप देखो ये एफ ऑफ एक्स वाई है तो एक्स वाई स्क्वायर है और डी एक्स डी वाई आपको दे रखा है, तो ये वॉल्यूम है, तो ये क्या है वॉल्यूम है, इंटीग्रेशन नथिंग बट वॉल्यूम, और जो रीजन आर दे रखा है वो आपको ये दे रखा है, ये आपको गिवन था क्वेश्चन में। तो इस रीजन में आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो ये तो रीजन हो गया, इसमें एक्स वाई स्क्वायर डिफाइन है, एक्स वाई स्क्वायर प्लेन के बाहर होगा तो वो सरफेस, और इस रीजन के अंडर जो वॉल्यूम आएगा वो इसका आंसर आएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो पहले तो आप इसमें कोई भी ले लो, या तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हो या वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हो, तो मानो मैंने ये स्ट्रिप लिया, ठीक है ये वाला स्ट्रिप ले लिया मैंने, तो अगर आपने ये स्ट्रिप लिया तो इसमें लिमिट क्या आएगा आप देख लो। अच्छा इस इक्वेशन लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, दो पॉइंट है आपके पास, एक है 1,2, एक है 5,10, तो लाइन का इक्वेशन देखो साफ साफ दिख रहा है, जब एक्स वन है तो वाई टू है तो डबल हो गया, एक्स फाइव है तो वाई टू है तो डबल हो गया, ठीक है तो ये तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 2x। आप लाइन का इक्वेशन जैसे निकालते हो उसे निकाल के देख लो, स्लोप ले लो इस लाइन का, 10 माइनस 2 इज 8 बाय 4, 2 है स्लोप, तो स्लोप 2 है, और पॉइंट ले लो एक, तो स्लोप 2, पॉइंट लिया आपने y माइनस 2 एक्स माइनस 1 इंटू स्लोप 2, तो जब 2x माइनस 2 और 2 और 2 कैंसिल हो गया तो y क्या आ गया आपको 2x, ऐसे भी देख सकते हैं लाइन के इक्वेशन में कोई खास बात नहीं है। तो ये तो इक्वेशन हो गई लाइन की आपकी, तो मैंने चलो यहां लिख भी दिया कि यहां है y इज इक्वल टू 2x, तो लिमिट वेरी कराओ आप, तो ये लिमिट वेरी कराओगे c इंटू डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई स्क्वायर डीवाई डी एक्स, क्योंकि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ली ना तो मैंने पहले dy लिख दिया, तो dy कहां से कहां तक आएगा, x एक्सिस पे तो जीरो होता है, x एक्सिस पे जीरो होता है, तो x एक्सिस पे क्या जीरो होता है, y जीरो होता है, ठीक है तो y जीरो से लेके 2x तक, जीरो से 2x तक, और x कहां से आएगा, x आएगा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, ठीक है तो कर लो बस सॉल्व इसको। तो c इंटू पहले आपने किया y के रेस्पेक्ट में और x को कांस्टेंट लिया, तो 1 टू 5 और ये आ जाएगा आपको एक्स वाई क्यूब बाई 3, एक्स वाई क्यूब बाई 3, और y की जो लिमिट है वो 0 से 2x dx, तो ये हो गया आपको c इंटू 1 टू 5, तो c बाई 3 हो गया और y क्यूब हो गया 2x की पावर क्यूब, दैट इज 8x4, तो 8x4 dx है ना, 8x क्यूब इंटू x इज 8x4 इंटू dx, ये हो गया, तो 8c/3 और x5/5 आएगा आपको, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x5/5, तो ये इंटू 5, तो x5 की लिमिट क्या लगाओगे आप, 5 to the power 5 minus 1, 5 to the power 5 minus, ये आ गया आपको। और अब आप रख दो c का वैल्यू, c का वैल्यू है 6 into 10 to the power 4, तो 8 into 6 into 10 to the power minus 4 divided by 15 है ना, और आपने इसको 5 to the power 5 minus 1 कर दिया, तो जब आप इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा आपको आंसर ऑलमोस्ट 1, सो 0.99 एंड सो ऑन, दैट इज ऑलमोस्ट 1, आंसर इज ऑलमोस्ट, ठीक है दैट इज योर आंसर, ये हो गया खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो ये आया था 2016 में, दो नंबर का क्वेश्चन, 2016 में दो नंबर का, तो ये कैसा है, अ ट्राइंगल इन द एक्स वाई प्लेन इज बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइंस 2x = 3y, y = 0 एंड x = 3, तो एक रीजन आपको दे रखा है एक्स वाई प्लेन में, तो एक तो लाइन है 2x = 3y,
एक लाइन है वाई जीरो और एक लाइन है आपके पास एक्स इक्वल टू थ्री। तो एक्स इक्वल टू थ्री मानो ये लाइन है आपके पास एक्स इक्वल टू थ्री, ठीक है, ये वाली लाइन है और वाई इज इक्वल टू टू एक्स थ्री। तो इनके बीच का ये वाला एरिया, ये वाला, ये एरिया, ये है आपके पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट y इज इक्वल टू, सॉरी क्या है ये, y इज इक्वल टू थ्री बाई टू बाई थ्री एक्स लिख देता हूं ना, ये ठीक रहेगा, टू बाई थ्री एक्स। तो इस एरिया में आपको क्या करना है, ये एरिया है, डोमेन रहेगी और जो फंक्शन है आपका दैट इज प्लेन, ये प्लेन जो है ये इसके बाहर रहेगा, तो इस प्लेन की सरफेस के अंदर और इस एरिया से कवर्ड बाय जो वॉल्यूम आएगा वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अच्छा आप चाहो तो एक प्लेन भी ड्रॉ कर सकते हो, चलो मैं आपके लिए प्लेन भी ड्रॉ कर देता हूँ तो शायद और अच्छा समझ में आ जाए आपको। तो प्लेन का तो क्या, पहले तीन पॉइंट ले लो आप और उनसे पास होने वाला प्लेन आपको पता पड़ जाएगा। तीन पॉइंट कौन से लोगे, जैसे आपने लिया यहाँ पे वाई जेड जीरो किया, एक्स एक्सिस पॉइंट किया जाएगा एक्स सिक्स जीरो जीरो, वाई और जेड दोनों को जीरो जीरो रखो, ऐसे आप वाई एक्सिस पे एक पॉइंट निकाल लो, इस पे एक्स जेड जीरो तो जीरो सिक्स जीरो और एक आएगा आपको जीरो कोमा जीरो कोमा सिक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये प्लेन है ये इनफाइनाइट प्लेन रहेगा, है ना, तो ये प्लेन है, इस प्लेन के कवर्ड एरिया, इस प्लेन के नीचे वाला जो वॉल्यूम है किससे कवर हो, और ये ट्रायंगल देखो कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास, ये वाला इंटरेस्ट ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल के ऊपर और प्लेन के नीचे वाला वॉल्यूम आपको निकालना है। ये प्लेन के इक्वेशन क्या हो जाएगा, x plus y plus z equal to 6, तो सरफेस क्या हो जाएगी, fxy equal to 6 minus x minus y, तो इस सरफेस के नीचे और जो गिवन डोमेन है इसके ऊपर वाला एरिया निकालना है, इस डोमेन जो एरिया के ऊपर जो वॉल्यूम आएगा वो निकालना है आपको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो डबल इंटीग्रेशन fxy dx dy, fxy तो है 6 minus x minus y और dx dy करोगे तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लो यहाँ पे, ये जीरो से लेके कहां तक, y जीरो है यहाँ पे और y जीरो से टू बाई थ्री एक्स, तो जीरो से टू बाई थ्री एक्स और x आएगा आपको, x कहां से आएगा, ये तो जीरो है, अच्छा y इज इक्वल टू टू बाई थ्री एक्स है, जब x थ्री है तो y है टू, तो ये पॉइंट क्या है आपके पास, x थ्री y तो जीरो से टू आ गया और ये आया आपको dy dx। ओके एक मिनट को, ये y का लिमिट था, x का लिमिट तो जीरो से थ्री है ना यार, ये y का क्यों लिख रहा हूं मैं, x का लिमिट क्या आएगा, जीरो से थ्री, x वेरी फ्रॉम जीरो टू थ्री है ना, यहां जीरो और यहां थ्री और y वेरी फ्रॉम जीरो टू टू बाई थ्री एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप आंसर आ जाए, वही अभी किया ना हमने कि पहले आप y के रिस्पेक्ट में करो x को कांस्टेंट मान के और फिर x के रिस्पेक्ट में करो y को कांस्टेंट मान के, ठीक है। चलो मैं कर देता हूं आपके लिए भी, पर जैसे आप ट्राई करो पॉज करके फिर इसका आंसर देखना। तो ये आएगा आपको, पहले आपने y के रिस्पेक्ट में किया तो ये आया 0 से 3 6 y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, जीरो से टू बाई थ्री एक्स, और ये आएगा आपको बाद में डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपको जीरो से थ्री सिक्स इंटू टू बाई थ्री एक्स, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व बाई थ्री फोर एक्स माइनस एक्स इंटू वाई, तो माइनस टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, क्या जाएगा फोर बाय नाइन फोर बाय एटीन, तो माइनस फोर बाय एटीन मतलब माइनस टू बाय नाइन एक्स स्क्वायर, इतना आ गया, जीरो पे तो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। होपफुली मैंने सही किया होगा, तो टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस में क्या रखा आपने
फोर बाई नाइन एक्स स्क्वायर बाई टू दैट इज टू बाई नाइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। चलो अब इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, सब रब कर देता हूँ इसको। अब इसका आंसर निकाल चुके होंगे आप अभी तक तो शायद। तो ये देखो क्या आएगा, जीरो से थ्री। अच्छा अब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो फटाक से। तो टू बाई थ्री और टू बाई नाइन है ना, इसको थ्री बनाया, ये हो गया थ्री। तो ये सिक्स बाई नाइन माइनस सिक्स बाई नाइन माइनस टू बाई नाइन, तो ये तो माइनस एट बाई नाइन हो गया। तो ये क्या आपने इंटीग्रेशन किया, तो फोर एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एट बाय नाइन, माइनस एट बाय नाइन इंटू एक्स क्यूब बाय थ्री, जीरो से थ्री, माइनस एट बाय नाइन इंटू एक्स क्यूब बाय थ्री, ठीक है। तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस एट बाय ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब जीरो से थ्री। तो ये हुआ आपको नाइन टू जा एटीन माइनस एट बाय 27 इंटू 27, ये कैंसिल हो गया, 18 माइनस 8 आ गया आपके पास 10, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो सिंपलीफाई कर दिया, ओके। ये क्वेश्चन आया था आपको 2016 में, दो नंबर का क्वेश्चन था, ये देख लेता हूँ एक बार, 2015 में आया था दो नंबर का। तो इसमें क्या था ना, आपको बोला था कि दिस इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये dx dy के टर्म में आपको है। dx में क्यों आया ये, क्योंकि ये y का लिमिट पहले है, तो y का लिमिट है, तो ये y की फॉर्म में है ना, लिमिट, लिमिट इज अ फंक्शन ऑफ y, तो x का लिमिट होगा और y का लिमिट कांस्टेंट हो जाएगा। इसको आपको चेंज करना है, dx dy को dy dx में आपको चेंज करना है। तो कैसे करोगे आप, तो उसमें लिमिट चेंज होगी, तो वही आपको बताना है कि कैसे आएगा ये। ऐसे चार ऑप्शन दे रखे थे आपको, आपको dy dx के फॉर्म में लिखना है। तो देखो लिखते हैं इसको, तो x का लिमिट जो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से y तक। तो मैं बनाऊं तो x 0 कहां पे होगा, y एक्सिस पे, और y ये रहा, ये y = x आ गया, ठीक है। तो x का लिमिट आ जाएगा 0 से y, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो ये आएगी ना भाई। तो x का लिमिट तो आ गया 0 से y। अब आप देखो, अगर आपने वर्टिकल, अब y की लिमिट कहां से कहां तक आ रही है, 0 से a, तो ये 0 आपका y 0 और y a तक, ये y a ले लिया आपने, y is equal to a, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपको, a कॉमा a, तो ये आपका क्लोज रीजन आ गया। यहां पे आपकी x की लिमिट तो 0 से x तक है, 0 से y तक है x की लिमिट, और y की लिमिट जो है वो 0 से a तक है। तो अब आप इसमें क्या करो, आपको dy dx चाहिए तो वर्टिकल स्ट्रिप बना दिया आपने, ये वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया, तो y की लिमिट कहां से जाएगी, x से लेके a तक, तो x से शुरू होगा और a पे खत्म, और x का लिमिट कहां से जाएगा, 0 से a, ये a है ना भाई, तो x का लिमिट आएगा 0 से a, तो 0 से स्टार्ट होके a तक, तो ये आपका इसके इक्विवेलेंट आ गया, है ना। चाहे आप इसका आंसर करो चाहे इसका आंसर करो, एक ही बात है, ठीक है। चलो ओके, ये दो प्रॉब्लम और देखो आप। तो इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डिवाइड एक्स, ये 95 में आया था, इसमें आपको बोला था रिवर्स करना है इसका, ऑलरेडी ऐसे पिछले क्वेश्चन किया ना वैसे ही करना है इसका। तो डिवाइड एक्स है, अब पहले एस से पहचान दो, ये एक्स का फंक्शन है तो वाई की लिमिट है, और ये एक्स की लिमिट है, आपको सीधा पता पड़ जाना चाहिए, चाहे वहां डीवाई डीएक्स लिखा हो चाहे डीएक्स डीवाई लिखा हो, आपको यहां से पहचानना है। कई बार एग्जाम में यहाँ डीएक्स डीवाई लिख देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा किसका लिमिट है, अगर एक्स का एक्सप्रेशन तो वाई की लिमिट है, वाई का एक्सप्रेशन है तो एक्स की लिमिट है। तो अब आप इसका ग्राफ बना दो फटाक से। तो डीवाई की जो लिमिट आ रही है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर चाहिए एक, तो अपने एक्स स्क्वायर कैसा आएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, चाहे जो भी वैल्यू हो एक्स का, एक्स की चाहे जो भी वैल्यू हो, वाई पॉजिटिव आएगा,
है ना, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है हमेशा। तो ये आपको ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक है वाई इज इक्वल टू टू एक्स लाइन, तो ये ओरिजिन से पास होगी, ये वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये एक लाइन आ गई। तो क्या चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर और टू एक्स। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर टू एक्स है, तो वाई वेरी करेगा एक्स स्क्वायर से लेके टू एक्स तक। तो ये आ गया, अगर आपने ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप बनाते तो ये एक्स स्क्वायर होता और ये टू एक्स, ठीक है। वाई वेरी हो जाता आपका एक्स स्क्वायर से टू एक्स में, और एक्स वेरी कर रहा है आपको जीरो से टू। अगर आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स, कहां पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स कॉमन, एक्स माइनस टू एक तरफ ले आओ, तो ये आएगा एक्स इक्वल टू जीरो कमा टू। तो एक पॉइंट तो है आपके पास जीरो जीरो, और एक पॉइंट है आपके पास, एक तो है जीरो जीरो, एक्स अगर टू है तो वाई कितना है फोर, ठीक है। तो ये एक्स जीरो से टू हो जाती है, एक्स जीरो से टू आपको दे रखी। अब आपको क्या करना है, सब कन्वर्ट करना है डीएक्स डीवाई में, तो आपको ये वाला चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। तो दिस इक्वल टू, दिस इक्वल टू, ये स्टार्ट हुआ कहां से, अब ये क्या थी लाइन, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन थी ये वाली, और ये था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स लाइन आएगी तुमको वाई बाई टू, वाई बाई टू, तो वाई बाई टू से स्टार्ट होके ये जाएगा आपको रूट वाई तक, वाई बाई टू से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा रूट वाई तक, ये जो लिमिट है किसका, एक्स का, और वाई का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से फोर, जीरो से फोर, एफ एक्स वाई डीएक्स डीवाई हो गया, ठीक है। दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आ गए, तो ऐसे आप कोई भी ऑर्डर रिवर्स कर सकते हो, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। चलो तो ये भी हो गया। अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था आपको 2007 में, ये क्वेश्चन आपको दिया वाई डी एक्स, और वाई डी एक्स तो एरिया ही होता है, आपको मैंने पहले बताया था एरिया, जो एफ एक्स डी एक्स क्या है, इज द एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स, ये तो बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का। तो आपको ये एरिया ऐसे निकालना है, बस आपको ये इंटीग्रेट करना है, और वाई क्या है, वाई आपको दे रखा है ये जो लाइन, ये जो ग्राफ दिया ना वाई एक्स, ये फंक्शन है वाई का, नहीं पर एफ एक्स, तो ये एफ एक्स है आपका। तो आपको एफ एक्स डी एक्स को सॉल्व करना है, कहां से कहां तक, वन से टू में। तो एफ एक्स देखो कैसे आएगा, ये माइनस वन है जो पॉइंट, तो माइनस वन एक्स एक्सिस पे, तो माइनस वन कॉमा जीरो पॉइंट है, और वाई पे ये वन दे रखा है, तो जीरो कॉमा वन है, तो दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, एक पॉइंट से ले लिया वाई माइनस जीरो इज एक्स प्लस वन, और स्लोप क्या आएगा आपको इसका, वाई इज वाई वन माइनस जीरो, स्लोप हो जाएगा वन माइनस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, जीरो माइनस माइनस वन, तो स्लोप आया आपके पास वन, स्लोप इज वन। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y is equal to x plus, तो i देखो क्या आएगा, i is equal to 1 से 2 x plus 1 dx, तो x square by 2 plus x 1 से 2, x square by 2 plus x 1 से 2, तो ये हो गया आपके पास 4 by 2 plus 2 minus हाफ प्लस वन, तो फोर बाय टू प्लस टू माइनस हाफ प्लस वन, तो ये तो क्या टू, तो दैट इज फोर माइनस थ्री बाय टू, तो फोर माइनस वन पॉइंट फाइव से टू पॉइंट फाइव आ गया, बस ये इसका आंसर, टू पॉइंट फाइव इज द, है ना, ये आपका उसका एप्लीकेशन हो गया ना, एफ एक्स डी एक्स इस एरिया, तो ये इतना एरिया आ गया, कहां से कहां तक, जब x 0 से x अगर 1 से 2 है, तो इस लाइन को अगर आप पूरा बनाओगे ना, इसका ये लाइन अगर बढ़ाओगे, तो x 1 से जब 2 में वेरी कर रहा है, तो ये जो एरिया आया ना, ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया जो आपने आंसर निकाला है ना अभी, वो ये एरिया है, ठीक। चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल, ये हो गया।